गाड़ी में लोड कर रहे हैं। अच्छा वो जो दो है ना वो अलग रखना, बस ठीक है, ये वाले अलग रखने हैं और जो है ना बाकी अलग रखना। ले लो, उठा लो जल्दी से, जल्दी से ले लो, बंद करो। जी बेटा सब करना होता है, कुर्बानी करनी होती है और रमज़ान में राशन बांटना होता है। एक्टिंग करो, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज फिर हमारे साथ ये दो चंटू बंटू आ गए हैं बाहर जाने के लिए। कैसे हो अब्दुल भाई, ठीक हो अब्दुल भाई एंड अब्दुल्ला। और साथ में हमारे आज आई है अर्शुमा। अर्शुमा कैसी हो आप, ठीक ठाक हो। अच्छा आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आज मैं जाऊंगा राशन लेने, गरीबों में तकसीम करूंगा। वैसे तो मैं घर में राशन तकसीम करता हूँ, गाड़ी में अगर कोई आता है ज़रूरतमंद तो फिर मैं उसको भी दे दूँगा। उस वक्त मैं आ चुका हूँ दोहरा जी, दोहरा जी, और यहाँ पर कई सालों से मैं राशन ले रहा हूँ। तो ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ से मैं हर साल लेता था पर इस बार मैं यहाँ से नहीं लूँगा, इस बार मैं आगे से लूँगा। इस बार मैं लूँगा ख्वाजा गरीब नवाज से, यहाँ से इस बार राशन लूँगा सारा। आप लोग बैठे हो, आप लोग बैठो गाड़ी में, ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज से राशन मैंने ले लिया है, अभी ये गाड़ी में लोड कर रहे हैं। अच्छा वो जो दो है ना वो अलग रखना, बस ठीक है, ये वाले अलग रखने हैं और जो है ना बाकी अलग रखने हैं। बस ठीक है, ठीक है, तेल फटेगा तो नहीं, ऊपर नीचे रख दिया सारा। चलो ठीक है, वो उधर हटाओ, आते हटाओ अब्दुल भाई, ठीक है बस, ठीक है। निकलते हैं और रास्ते में देखते हैं कौन कौन ज़रूरतमंद मिलता है, उसको देते रहेंगे, नहीं है तो फिर घर पे तो आते ही हैं लेने के लिए, फिर मैं वहाँ पर दूंगा उनको। इसके अंदर खाना में राशन है बेटा, राशन है इसमें, गरीबों को राशन देते हैं ना, राशन खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं जिसमें आटा चीनी दाल चावल ये सारी चीज़ें होती हैं ना, रमज़ान में गरीबों को देते हैं ना बाबा, हर साल तो देते हैं, आप भूल गए हो। और अर्शुमा आप सामान के साथ पीछे लोड हो गई हो, कंफर्टेबल हो, या आपको भी आगे ही बुला लूँ, सही है। तो तुम्हारी नानी का घर भी आगे है, यहाँ पर छोड़ दो तुम्हें, अभी तक तो मुझे कोई ज़रूरतमंद बाहर नज़र नहीं आया है और रोजे का टाइम भी करीब होने को आ रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि अपनी तरफ चले गए हूँ। फिर भी मैं देखता हूँ कोई अगर ज़रूरतमंद मुझे नज़र आया तो मैं उसको राशन ज़रूर दूँगा और जो है ना बाकी मैं फिर जो है ना घर में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि घर में भी बहुत लेने के लिए आते हैं। क्या हुआ, गर्मी लग रही है आज, मज़ा नहीं आ रहा, जो ठंडा वंडा नहीं मिला इसलिए है, गर्मी लग रही है। तो बदबू भी आ रही ना बाहर, पीछे कचरा उठा रही थी गाड़ी, क्लीन कर रही थी, इसकी वजह से बदबू भी आ रही है बहुत। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। चलो भाई आज तो मना ही कर रहे हैं, तो अच्छा हो गया, अच्छा काम हो गया, तो मना कर रहे हैं आज दोनों। अच्छा पहले मना करते हैं फिर रास्ते में फरमाइश शुरू आती है, इनकी चलाकियाँ देखो, ये पहले मना करते हैं, इनका ये गेम है, पहले मना कर दो और फिर जो है ना ऐसे एक्टिंग करो, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, फिर जो है ना मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। आज तो ऐसा कुछ सीन नहीं है ना एक्टिंग वाला, वो तो दुबारा नहीं किया था जब उस टाइम गए थे, इसको ही करने का कुछ किया था। है अब्दुल बारी, आपने किया था। चलो ये अब्दुल बारी चलाक है ना, ये बहुत चलाक है अब्दुल बारी। तो जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है रोजे का और रश बढ़ता जा रहा है, मैं भी ट्रैफिक में स्टक हो गया हूँ, बहुत स्लो स्लो गाड़ी चल रही है, अभी जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अगर राशन के चक्कर में रहा तो फिर शायद मेरा रोज़ा बाहर ही खुलेगा। बाबा हमें नज़र आए, बड़ी देखते बालते हैं। सलाम अलैकुम,
सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं आप रोड पे? बस मजदूरी के मिल नहीं रही है जना, बस भूख से रह रहे हैं जना बेटा जना। अच्छा, राशन वगैरह चाहिए? राशन है तो दे दो, बड़ी मेहरबानी हुई आपके जना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं अभी राशन देता हूँ। दुआओं में याद रखना, यहाँ एक को देना शर्त है, बड़ा देखभाल के देना पड़ता है वरना भी गाड़ी पे हमला हो जाता है। तो जो है ना, अभी बाबा नीचे बैठे हैं, ये बाबा बेचारे ज़रूरतमंद लग रहे हैं मुझे, तो फिर मैं इनको दूंगा राशन, क्योंकि इतने ऐसे आप पब्लिकली जैसे वो फ्रूट पे हमला हुआ ना, ऐसे आप दे नहीं सकते, क्योंकि आवाम समझती है कि बस जो है ना लूटा मारी का माल है, लूट लो, और फिर जो बेचारा दे रहा होता है वो भी जो है ना उसमें ज़ख्मी हो जाता है, उसका अपना भी नुकसान होता है, पर आम ही नहीं समझती। ये लो बाबा जी, ये लो। आ गया, आ गया। बस जल्दी से ले लो, उठा लो जल्दी से, अल्लाह बंद, जल्दी से ले लो, बंद करो। सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा, ठीक ठाक हो? खाना वाना खाया? खाना वाना खाया? खाना अभी थोड़ा सा मिला है, मिला नहीं, अभी खाने के लिए फिर रहे हैं, कहीं जब मिलेगा तो। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। लाओ तो ये लो, ठाके से गाड़ी पैर नीचे आ जाएंगे, हट जाओ यहाँ से, गाड़ी के अंदर आ जाओगे, हट जाओ। बस ये देने की एक को देर होती है, वो फिर जो है ना देखते भी नहीं है कि गाड़ी के नीचे भी आ जाते हैं। बाकी मैं ख़ास इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखता हूँ कि ज़रूरतमंद को मिले, बाकी ऐसे बहुत से मिल जाएंगे अगवानी आपको, कचरा चुनने वाले, वो दिन में 20-25 हज़ार रुपये तो ऐसे ही कमा लेते हैं, जो बेचारे बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, कमा नहीं सकते, आप उनको दें, उनका पहले आगे, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो आप मुँह से मांग नहीं सकते, मोहल्ले में ख़ानदान में पहले उनका हक है, पहले उनको दें, इसके बाद फिर आप जो ना दूसरों की तरफ देखें। बच्चों आप लोगों को क्या फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है राशन बांट के? बहुत अच्छा। गरीबों की मदद करके? बहुत अच्छा। बड़े होके भी आप लोग ये काम करोगे नहीं करोगे? करेंगे। बड़े होके करोगे ना? हाँ। गरीबों की मदद करना, ठीक है, और जो आपके वालदेन करते हैं वही आप उसको फॉलो करना बड़े होके, क्योंकि ये सत्ता जारी है, ये आपकी नेकियां जाया नहीं होंगी। बाबा, सब, जी सब, जी बोलो। सब करना होता है? जी बेटा सब करना होता है, कुर्बानी करनी होती है और रमज़ान में राशन बांटना होता है, गरीबों की मदद करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को। बाबा मुझे मारते भी है, सबको करना होता है। बेटा मैं तो आप को तब मारता हूँ ना कि जब आप कोई गलत काम करते हो या गलत आप कोई हरकत करते हो या आप सही पढ़ते नहीं हो तो तब आपकी पिटाई लगती है ना, वरना मैं आपको ऐसे थोड़ी मारता हूँ। हैं, ये कौन सी आपने लॉजिक निकाली कि आप मैं आपको मारता हूँ तो सबको मारो भी। बाकी आज तुम्हारा गन्ने का जूस रह गया यार, ट्रैफिक बहुत जैम हो गया, और जो है ना बस अभी घर निकलने की करते हैं, वरना तो जो है ना हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। कुछ लोग खास तौर पे यही हरकत है, यही काम करने के लिए निकलते हैं कि बस जो है ना लूटा मारी करें और माहौल को ख़राब करें, उनको किसी चीज़ की नीड नहीं होती, बाहर से गांव देहात से उठ के दूसरे जो है ना सिटीज़ से उठ कर आ जाते हैं ये हरकतें करने के लिए। ये मैं पुराने घर आ चुका हूँ, अपने यहाँ पुराने घर के चौकीदार को भी जो है मैं राशन देता हूँ, बैठे हैं भाई साहब चौधरी बन के। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फुल चौधरी बने हो? हाँ चौधरी बने। एक बार सबर सबर, तुम्हारा मुझे लग रहा है टाइम हो गया पूरा। दिन करीब आ गए। इसमें से कीला वाला तेल निकाल के दे, ये ले लो राशन। बस अभी एक से काम चलाओ, अभी अभी लड़ाई अभी अभी कम लाया हूँ ना, अभी कम लाया हूँ, देखो कम पड़े हुए, अभी और आएंगे ना इंशाल्लाह। फिर कितने बचे?
बचे हैं अभी 4-5 तो बचे हैं। एक वो सामने वो चौकीदार को देख रहा हूँ, सामने इधर बुला लो, बल्कि आवाज़ लगा के ये रखो आ जाएगा, इधर आओ बाबा। क्या हुआ, कुछ बोलना है, कुछ बोल रहे हो? आज है Day 2 और राशन बांटने का अमल जारी है। कल भी सारा राशन बांटा है, बाहर भी दिया है, आज भी देना है। ये आज मैं देने जा रहा हूँ अपने दोस्त को, मैं उसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि किसी की इज्जत नफ़ भी होती है, और ज़्यादातर मैंने लोगों को बाहर दिखाना अच्छा नहीं समझा, बस थोड़ा सा हल्के हल्के शॉर्ट्स लिए। किसी की इज्जत होती है, इज्जत की तसलील होती है, वो समझते ही क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह से अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को देने के लिए, उसको देकर आता हूँ फिर घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह राशन देके मैं उसको फारिग, और वापसी के आते हुए जो है ना बाइक की चेन लूज हो गई है, अभी वो चेन टाइट करवा रहा हूँ बाइक की मैं अपने, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बाइक पर आ गया था और बाइक ने भी धोखा दे दिया, और चेन लूज हो गई है इसकी, बहुत आवाज़ कर रही थी, मैंने टाइट करवा लेता हूँ। क्या वहीं क्यों खड़ी हो? घर में आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे देर आके फारिग हो गया हूँ, और पता है ना क्या करना है, पता है ना, लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और साथ में जो नीचे बेल आइकन प्रेस कर दो, गाँव में याद रखना यार, वीडियो आगे शेयर नहीं कर रहे यार, गलत बात है यार, मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी यार बिजनेस में करवा दो सब्सक्राइबर, व्यूज़ भी थोड़े से कम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी यार, तकरीबन 2000-3000 को आने चाहिए वीडियो पर, ठीक है।